जिंदगी मेरे घर आना। आज के एपिसोड में आप क्या देख रहे हो? यहाँ देखोगे अमृता अपने पापा के साथ बात कर रहे हैं कि उसका एक पैंट छूट गया है, इमोशनल हो रहे हैं। तो इसके साथ ही हम मजाक उजाक करने लगते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम कबीर का होता है एंट्री और कबीर का मुंह लटका हुआ होता है। पूछता है क्या हुआ? बोलता है नौकरी छोड़ दिया है। सच बता, पर जब सच सामने आता है कि वो ब्लैकमेल करके वो जॉब मिला था, तो अमृता माथे टान के एक थप्पड़, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है, मतलब थप्पड़। परेशान है, अब इसको एक वीक के अंदर पैसा भी देना है 1 लाख रुपए, क्योंकि दो एडवांस 2 महीने का पेमेंट लिया था ना, फंस गया। घर वाले परेशान हो गए। और दूसरी यह सब अमृता देखता रहता है, अमृता के सामने ही कौन? प्रीतम। और उसके बाद प्रीतम अपने रूम में चला जाता है। प्रीतम का फोन आता है, किसके तरफ से? फरहाद, फरहाद बोल रहा है यार, मनसु चाचा का फोन आता है। तो पता चल, उसको बोलता है एक इंसान से, एक बच्चे से ही एक लड़की से मिलना है जो अगले साल नहीं मिल पाए थे। शायद ये हो सकता है कि प्रीतम मैरिड थे, अभी वो मैरिड नहीं है, या हो सकता है वो बच्चे से नहीं मिल पाते, यह हो सकता है। ये चीजें आ रही है सामने। और इसके साथ साथ प्रीतम फिर याद करने लगता है कि अमृता के शादी के दिन, मतलब शादी के दिन बच्चे जिस दिन बहुत बुरा ही था, क्या हुआ था, मिस करने लगते हैं कि वो क्या, उसको कितना निकाल दिया गया था घर से, वहां से हटा दिया गया था, बच्चों को मुंह नहीं दिखाया जाता, ये सब चीज को सोचने लगता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। ये है जिंदगी मेरे घर आना की आज के एपिसोड दोस्त। जी हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।